हेलो दोस्तों, हाउस प्लानर टू चैनल में आप सब लोग स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त आर्किटेक्ट महिपाल। मैं आज आप लोगों लेकर एक कम बजट का एक हाउस प्लान लेकर आया हूं, 2 बेडरूम का। तो चलिए दोस्तों, इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, अगर बात करते हैं हमारी मकान की चौड़ाई की, जो कि हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक है वो हमारे पास है 32 फीट है, 32 फीट हमारे पास मकान की चौड़ाई है। और अगर बात करते हैं हमारी मकान की गहराई की, जो कि हमारी यहाँ से लेकर यहाँ सामने तक है वो हमारे पास है 23 फीट है, 23 फीट हमारे पास मकान की लंबाई है। तो 32 × 23 हमारे पास टोटल मकान का एरिया हो जाएगा। और इसके बाद में 5 फीट बाई 8.5 फीट का इतना सा हमारा बिल्टअप एरिया और उसमें इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पोर्च हमने इससे 23 फीट से एक्स्ट्रा दे रखा है। अब चलिए इसकी शुरुआत करते हैं सामने से। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारे पास 5 फीट बाई 8.5 फीट का यहाँ पर सामने पोर्च है। यहाँ पर आपके 2 पिलर लग जाएंगे। पोर्च के जैसे सामने हमारा घर का मेन डोर आ रहा, मुख्य दरवाज़ा 4 फीट का, और इस मेन डोर के जैसे पास में हमारी 3 फीट की विंडो भी निकल रही है। अब इस मेन डोर को हम जैसे ही खोलते हैं तो पहुँचते हैं डाइनिंग और लिविंग एरिया के अंदर, जिसकी हमारे पास साइज है 10 फीट 9 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक और 17 फीट 9 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक। ये हमारा डाइनिंग और लिविंग एरिया हुआ और इसी के अंदर हमारा स्टेयर केस है। यहाँ से अब करेंगे और यहाँ पर डाउन हो जाएंगे, 3.25 फीट बाई 3.25 फीट का हमारे पास स्टेयर केस का लैंडिंग है। अब इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 3.5 फीट का दरवाज़ा और ये हमारा घर का पहला बेडरूम आ रहा है, जिसकी हमारे पास साइज है 10 फीट 9 इंच बाई 12 फीट है। 10 फीट 9 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक और 12 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा बेडरूम होया, जिसकी 1 4 फीट की विंडो सामने निकल रही है और 1 4 फीट की विंडो यहाँ पर निकल रही है। अब इस बेडरूम से वापस बाहर आते हैं तो इसके जैसे पास में यहाँ पर देखिए 3.5 फीट का दरवाज़ा और ये हमारा घर का दूसरा बेडरूम आ रहा है, जिसकी हमारे पास साइज है 10 फीट बाई 12 फीट है। 10 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 12 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा बेडरूम हो गया, जिसकी 1 4 फीट की विंडो यहाँ पर और 1 4 फीट की विंडो पीछे की साइड निकल रही है। इस बेडरूम से वापस बाहर आते तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 2.5 फीट का दरवाज़ा और ये हमारा एक टॉयलेट बना हुआ, जिसकी हमारे पास साइज है 5 फीट बाई 7 फीट, 5 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 7 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक टॉयलेट हो गया, जिसका 2 फीट का वेंटिलेशन भी पीछे निकल रहा है। टॉयलेट से वापस बाहर आते हैं तो यहाँ पर देखिए, जहाँ से स्टेयर केस अप हो रहा है उसके पास में यहाँ पर 3 फीट का दरवाज़ा और ये हमारा किचन आ रहा है, जिसकी हमारे पास साइज है 10 फीट बाई 10 फीट, 10 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 10 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा किचन हो गया, जिसकी 1 4 फीट की विंडो पीछे निकल रही है और 1 4 फीट की विंडो यहाँ पर निकल रही है। तो चलिए मैं आपको इसको एक साथ दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारा पोर्च हो गया, घर का मेन डोर, डाइनिंग और लिविंग एरिया, यहाँ पर स्टेयर केस, बेडरूम, टॉयलेट और किचन। ये अगर आपकी एक छोटी फैमिली है तो ये सबसे आपके लिए बेस्ट घर रहेगा, ठीक है। तो अगर ये डिज़ाइन आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादातर शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन आती है उसको भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, थैंक्स।